नमस्कार, योग पथ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे योग की सहायता से आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, हमेशा से ही हमारे शरीर के संतुलित आचरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कभी कभी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है शारीरिक व्यायाम, जिसकी कमी के कारण हमारा शरीर रोगों के लिए बहुत ही प्रोन हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी हमें रोग लग जाते हैं। इसकी कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे पास एक सर्वोत्तम उपाय है, वह है योग। योग के नियमित और सही ढंग से किए गए अभ्यास से हम अपने शरीर के पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को और इम्यून सिस्टम को, जिसे हम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कहते हैं, को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और योगासनों की सहायता से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ यौगिक सूक्ष्म व्यायामों से। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यदि हम अपना ध्यान सभी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स पर केंद्रित करेंगे और उन्हें स्ट्रेंथन और रिजुविनेट करेंगे, तो हम अपने इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो हम व्यायाम देखेंगे, जिसमें इनहेल एक्सहेल के साथ जो जंप आप करेंगे, उसकी वजह से आपकी आर्म्स, आपके लेग्स, आपका एब्डोमेन, बैक, स्पाइनल कॉर्ड, पूरा मस्कुलर सिस्टम स्ट्रेच होगा और कंप्रेस होगा और आपका नर्वस सिस्टम से लेकर इंटरनल ऑर्गन्स तक स्टिमुलेट हो जाएंगे और टोन अप हो जाएंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को जांघों के समीप रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ सर के ऊपर उठाते हुए जंप करें और पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का गैप बनाएं। ध्यान रखें आपके हाथ कानों को ना छुएं और वापस सांस छोड़ते हुए जंप करेंगे, उछलेंगे और पैरों को मिलाकर हाथों को जांघों के समीप रखते हुए खड़े हो जाएंगे। इस सांस लेने के साथ, इनहेल के साथ जंप करना, हाथ ऊपर ले जाना, पैरों को खोलना और एक्सहेल, सांस छोड़ने के साथ वापस हाथ नीचे लाना, पैरों को मिलाना, इस इनहेल एक्सहेल की क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएंगे और ध्यान रखेंगे कि जब हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो हाथ कान को ना छुएं और जब हाथ नीचे लाएंगे तो हाथ थाइस को ना छुएं। 5 से 10 बार दोहराने के बाद थोड़ा सा 2 से 3 लंबी गहरी श्वास का विश्राम लेंगे। इस व्यायाम से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा क्लीन अप हो जाता है। जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सहेल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी एक रिफ्रेशिंग एहसास को महसूस करती है। विश्राम के बाद एक बार फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और उछलते हुए पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का गैप और एक्सहेल करते हुए पैरों को वापस मिलाएंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, जंप, क्लोज योर लेग्स, इनहेल, ओपन योर लेग्स, एक्सहेल, क्लोज योर लेग्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद 2 से 3 लंबी गहरी श्वास का गैप लेंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे। अब हम देखते हैं अगला व्यायाम, जिसमें सेम प्रक्रिया आपको, यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। ऊपर जाएंगे तो दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, कान से नहीं छुआएंगे और उछलते हुए पैरों के बीच में 1 से 2 फीट का गैप बनाएंगे।
केवल इसमें बदलाव यह है कि अब आपको सांस लेते हुए पैरों को वापस मिलाना है, हाथों को नीचे लाना है, और हाथ और सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। सबसे पहले सांस लीजिए, अब सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, पैरों को खोलेंगे, अब वापस सांस लेते हुए हाथ नीचे और पैर मिले हुए। पहले इनहेल के साथ हैंड्स अप था, इस बार इनहेल के साथ हैंड्स डाउन है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। अब दो से तीन लंबी गहरी श्वास का गैप लेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। यह जो हमने बदलाव किया है इनहेल और एक्सहेल का, इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स को दोनों दिशाओं से जो स्टिमुलेशन मिलेगा उसकी वजह से उनकी मसल्स टोन अप हो जाती हैं और बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। यह जो इनहेल एक्सहेल है, यह आपके हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वह दोनों तरफ ब्लड को, रक्त को पंप इन पंप आउट करता है। हार्ट के पास जो रक्त आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा रक्त, उसको वह साफ करके फिर वापस से पूरे शरीर में भेजता है। तो उसके लिए हमने इस एक्सरसाइज को दोनों डायरेक्शंस में किया ताकि आपके हार्ट को बहुत सुदृढ़ता मिले, स्ट्रेंथनिंग मिले और वो रेजुविनेट फील करें। एक बार फिर से इस रिवर्स प्रोसीजर को दोहराएंगे। एक बार इनहेल करें, सांस लें, अब सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर, पैर खोलेंगे, फिर से इनहेल करते हुए हाथ वापस, पैर वापस। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। 5 से 10 बार इस क्रिया को दोहराने के बाद सामान्य तरीके से सांस लेते हुए 2 से 3 बार सांस लेंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे। 5 से 10 बार करते हुए आप इसकी संख्या को 20 से 25 बार या आधे से 1 मिनट के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। यह है बहुत ही आराम देने वाली, लाभ देने वाली और शरीर को पूर्णतः तरीके से ऊर्जा देने वाली क्रिया है। सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसे सन सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, बैक प्रॉब्लम, कमर दर्द या कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, दिल की बीमारियां हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर हाथों को साइड में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए चेस्ट के सामने ले आएं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर की ओर उठाते हुए कमर से पीछे की ओर जितना हो सके झुक जाएं। यह हस्तोत्तान आसन है। सांस लेकर रोकते हुए कुछ क्षण यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा रखेंगे और आगे की ओर जितना संभव हो झुक जाएंगे। कोशिश करेंगे आपकी हथेलियाँ जमीन को छू जाएं और आपका माथा घुटने से लगा हुआ हो। यह है पादहस्त आसन। इसके बाद धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हुए हाथों को बाएं पैर के साइड में ही रखेंगे और सामने की ओर देखते हुए कमर और जो पैर पीछे है उसे सीधा और खिंचा हुआ रखेंगे। कुछ सेकेंड इस अश्व संचालन आसन में रुकेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं
और पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर उठाते हुए 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पर्वतासन में कुछ देर रुकेंगे। आपके पैर, हाथ और कमर खींचे हुए और बिल्कुल सीधे रहेंगे। कुछ समय रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए ज़मीन पर इस प्रकार लेट जाएं कि आपकी चिन, थोड़ी, चेस्ट, घुटने, पैर के पंजे और हथेलियां ज़मीन को छुएं, बाकी शरीर का भाग ऊपर उठा रहे। यह है अष्टांग आसन। आपके 8 अंग जमीन को स्पर्श कर रहे होते हैं। कुछ समय के लिए इस आसन में रुकेंगे। सांस छोड़ेंगे, फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने कमर से ऊपर के भाग को जितना हो सके खींचते हुए पीछे की ओर झुकाएंगे। यह भुजंग आसन है। कुछ समय इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की ओर उठाते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और कुछ समय इस अवस्था में रुकेंगे। आपके पैरों के पंजे, एड़ी और पंजा पूरा ज़मीन पर टिका हुआ, हथेलियां ज़मीन पर, उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई। फिर सांस लेते हुए पर्वतासन से अश्व संचालन आसन में जाएंगे। इस बार अपना बायां पैर पीछे रखते हुए दायां पैर आगे रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में, सर सीधा, सामने की ओर ध्यान केंद्रित। कुछ समय अश्व संचालन आसन में रुकेंगे। इसके पश्चात सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों पर सीधे खड़े हो जाएंगे। आपके पैर के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, अपने माथे को घुटने से लगा दें और कुछ समय इस पादहस्त आसन में बने रहें। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर की ओर उठाते हुए कमर के भाग से पीछे की ओर झुक जाएंगे और हस्तोत्तानासन में एक बार फिर से कुछ सेकंड्स रुकेंगे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नमस्कार मुद्रा में आए और यह सूर्य नमस्कार का आपका एक चक्र पूरा हुआ। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे बैठकर करने वाला भद्र आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलकर बैठ जाएं। यदि आपको हर्निया, घुटने में दर्द या खूनी बवासीर की समस्या हो तो इस आसन को ना करें। पूरे आसन के दौरान आप सामान्य तरीके से सांस लेते रहेंगे। अब पहले बाएं पैर को अंगूठे से पकड़ते हुए मोड़कर अपनी एड़ी को पेल्विक रीजन हिप्स के पास इस प्रकार रखें। ऐसे ही दाएं पैर को मोड़ते हुए अंगूठे से पकड़कर हिप्स के पास रखें। दोनों पैरों के पंजों को मिला दें। अब हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें, कमर को सीधा रखें, अपने घुटनों को ज़मीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं, फिर वापस ज़मीन से छुआ दें। इस ऊपर उठाने और ज़मीन से छुआने की प्रक्रिया को थोड़ी स्पीड के साथ हम दोहराएंगे, जैसे एक तितली उड़ती है, लाइक बटरफ्लाई मोशन। इसीलिए इस आसन को बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। इस आसन से आपके पेल्विक रीजन की मसल्स एक ही आसन में स्ट्रेच और कंप्रेस होती हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रेंथन होते हैं, सारे मसल्स टोन अप होती हैं, रेजुविनेट होती हैं और आपके पूरे पेल्विक रीजन को मजबूत बनाते हैं। जितनी देर अपने शारीरिक क्षमता अनुसार आप इस आसन को कर सकते हैं, करें। उसके बाद 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा विश्राम करें और एक बार फिर से सामान्य तरीके से सांस लेते हुए
इस आसन को दोहराएंगे। जितना हो सके पैरों को ऊपर ले जाएं और फिर कोशिश करके घुटनों को ज़मीन से छुआने का प्रयास करें। ऊपर ले जाते हुए अपने पैरों की बाहरी मसल्स में स्ट्रेच फील करें और नीचे लाते समय अपने थाई मसल्स और काफ मसल्स में स्ट्रेच महसूस करें। यह आसन आप शुरू कीजिए एक बार। यह आसन फीमेल कंडीशंस के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। यदि इसका नियमित और सही ढंग से अभ्यास किया जाएगा तो महिलाओं की आमतौर पर पाई जाने वाली समस्याओं से बहुत जल्दी राहत पा जा सकती है और स्वस्थ शरीर बनाया जा सकता है। इस आसन की यही खूबसूरती है कि मसल्स के स्ट्रेच के साथ आपको एक आनंद की अनुभूति भी होती है, जैसे आप एक तितली की भांति उड़ रहे हों। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस आसन को करने के बाद पैरों को सामने की ओर खोलकर बैठ जाएं। अब हम करते हैं बैठकर ही करने वाला गौमुख आसन, जिसे काओ पोज भी कहा जाता है। यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स, घुटने में दर्द या स्लिप डिस्क हो तो इस आसन को ना करें। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलकर बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें। अब पहले अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को हिप्स के नीचे रखें। अब दाएं पैर को मोड़ करके बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि घुटने के ऊपर घुटना हो। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर पॉइंटेड हों। अब जो पैर आपका ऊपर है, दायां पैर, तो दाएं हाथ को ऊपर से मोड़ते हुए कमर के पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ को नीचे की ओर से मोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर से इस तरीके से पकड़ लें। यदि आपके हाथ इतना पीछे नहीं जा पा रहे कि आप पकड़ पाएं, तो प्रयास करें जितना पास उन्हें ला सकते हैं और उन्हें छुआने की कोशिश करें। ध्यान रखें, आपको अपनी कमर को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, सीधा रखना है और 10 से 30 सेकेंड या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इस अवस्था में रुकें। आपकी स्पाइन इस समय जो कॉम्प्रेशन फील कर रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद अब धीरे से अपने हाथों को खोलें, सामने की ओर वापस ले आए, पैरों को खोलकर वापस आरामदायक मुद्रा में बैठकर 2 से 3 लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा विश्राम करें। अब पैरों और हाथों की पोजीशन चेंज करते हुए इस आसन को फिर से दोहराएंगे। अब दायां पैर नीचे रखते हुए बाएं पैर को ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर पॉइंटेड। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर से मोड़ते हुए और दाएं हाथ को नीचे की ओर से मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाकर दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार पकड़ लें। यदि आपके हाथ इस प्रकार नहीं पकड़ पाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें जितना हो सके छूने की कोशिश करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकेंड या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रुकें, सामान्य तरीके से सांस लेते रहें और फील करें आपकी स्पाइन के ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा है। थोड़े समय रुकने के बाद अपने हाथों को धीरे से वापस लाएं, पैरों को सामान्य अवस्था में सामने की ओर खोलकर बैठ जाएं, 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और थोड़ा विश्राम करें। अब एक बार फिर से गौमुख आसन को दोहराएंगे। अपने बाएं पैर से शुरू करते हुए पहले बाएं पैर को मोड़कर
एड़ी को हिप के नीचे रखेंगे और दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। अब अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर से मोड़ेंगे और बाएं हाथ को नीचे की ओर से मोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके घुटनों से ज़मीन की ओर प्रेशर डालें और अपनी कमर को सीधा रखते हुए हाथों को खींच कर रखेंगे और दोनों हाथों को या तो पकड़ेंगे नहीं तो इस तरीके से मिलाकर रखने की कोशिश करेंगे। आपकी स्पाइन में जो कंप्रेशन आ रहा है उसे महसूस करेंगे और कुछ समय इस अवस्था में रुकने के बाद वापस से अपने हाथों को खोलते हुए पैरों को खोलते हुए सीधे सामने की ओर फैला करके बैठ जाएंगे। दो से तीन लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे। उसके बाद दूसरे हाथ और पैर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स स्ट्रेच और कंप्रेस होती हैं, जिससे कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आपके पैरों के पंजे स्ट्रेच होकर साइड्स में पॉइंटेड रहेंगे दोनों अलग दिशाओं में। कोशिश करें घुटनों को ज़मीन की ओर धकेलें, हाथों को जितना हो सके स्ट्रेच करें और अपने बॉडी के हर पार्ट में मसल में स्ट्रेच को फील करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस अवस्था में रुकने के बाद हाथों को वापस नीचे ले आएं, पैरों को सामने की ओर खोल दें और आरामदायक मुद्रा में बैठकर थोड़ा विश्राम करें। अब हम करेंगे बैठकर करने वाला व्याघ्र आसन, द टाइगर पोज। यदि आपको हरनिया, कमर दर्द या घुटने में दर्द हो तो इस आसन को ना करें। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर कमर सीधी रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच कंधे समान दूरी बना लें। पैरों के घुटने और पंजे कंधे समान दूरी पर हों। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर झुकते हुए बिल्कुल अपने कंधों के नीचे रख लें, पूरी हथेली ज़मीन को छूते हुए और कोहनियाँ ना मुड़ें। अब सांस छोड़ते हुए पहले अपना बायां पैर घुटना 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा रखते हुए कमर को नीचे की ओर आर्च करते हुए पैर को ऊपर उठा लें और सामने की ओर देखते हुए किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में 10 से 3 सेकंड या अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रुकें। फिर धीरे से सांस लेते हुए पैर को वापस नीचे ले आएं। अब लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को उसी प्रकार ऊपर की ओर उठाएं, कमर को नीचे की ओर आर्च करें और सर सीधा रखते हुए सामने निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 से 3 सेकेंड या अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इस अवस्था में रुकें। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने पैर को नीचे ले आए और 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें और थोड़ा सा विश्राम करें। आइए एक बार फिर से व्याघ्र आसन को दोहराते हैं। सांस लें, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं, कमर को नीचे की ओर आर्च करें, सामने की ओर देखें, अपने पैर के पंजे को खिंचा हुआ पॉइंटेड रखें और जितनी देर आराम से रुक सकते हैं इस अवस्था में रुकें। आपका घुटना
90 डिग्री एंगल पर रहना चाहिए और कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। कुछ समय रुकने के बाद पैर को वापस नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और फिर यही प्रक्रिया दाएं पैर से दोहराएं। सांस लें और छोड़ते हुए पैर को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार इस अवस्था में जितनी देर रुक सकते हो रुकें। फिर धीरे से सांस लेते हुए पैर को वापस नीचे ले आएं, लंबी गहरी सांस का गैप लें और वापस वज्रासन में बैठ जाएं। यह व्याघ्र आसन आपके स्पाइन के स्ट्रेच और कॉम्प्रेशन के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इस आसन से आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है, क्योंकि जो आपके स्पाइनल नर्व्स हैं और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस आसन को करने से स्टिमुलेट होता है, रेजुविनेट होता है और स्ट्रेंथन होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी, जिसे हम प्रतिरोधात्मक क्षमता भी कहते हैं, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यह था व्याघ्र आसन, द टाइगर्स पोज, जिसे आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं।